आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन के नाल मैं अवतार सिंह ढिल्लों। सब तो पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच पहली राष्ट्रीय सिखलाई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करनगे। G20 के विकास मंत्रियों की मीटिंग अज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा नाल टैलीफोन से गलबात दौरान ब्रिक्स विच सहयोग बारे विचार वटांदरा किया है। भारत के लौंग जंपर श्री शंकर ने पैरिस विच प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट विच तीजा स्थान हासिल किया। देश भर विच सिविल मुलाजमां लई सिखलाई बुनियादी ढांचे नूं मजबूत बनाउण दे उद्देश नाल पहली राष्ट्रीय सिखलाई कॉन्फ्रेंस अज नवी दिल्ली विच शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच प्रगति मैदान विखे अंतर्राष्ट्रीय नुमाइश ते कन्वेंशन सेंटर विखे इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करनगे। राष्ट्रीय सिखलाई कॉन्फ्रेंस समर्था निर्माण कमिशन वल्लों देश भर विच सिविल सेवा सिखलाई संस्थावां दरम्यान सहयोग मजबूत करने ते सिविल मुलाजमां दी सिखलाई बुनियादी ढांचे नूं मजबूत बनाउण दे टीचे नाल कराई जा रही है। केंद्रीय सिखलाई संस्थावां, राज प्रशासनिक सिखलाई संस्थावां, खेतरी ते जोनल सिखलाई संस्थावां ते खोज संस्थावां समेत वख वख सिखलाई संस्थावां तों 1500 तों वध नुमाइंदे इस कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लैणगे। केंद्र सरकार दे विभागां, राज सरकारां ते स्थानक सरकारां तों सिविल मुलाजमां दे नाल ही प्राइवेट सैक्टर तों माहर भी इन्हां विचार वटांदरियां विच हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा नाल टैलीफोन ते गलबात कीती। दोहां नेतावां ने दुवाले सहयोग दा जायजा लिया जो कि इतिहासक ते लोकां दे लोकां नाल संपर्क नाल जुड़े हुए ने। प्रधानमंत्री ने इस साल के शुरू विच भारत नूं 12 कीते देण लई दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति का धन्नवाद किया। उन्होंने इस साल दक्षिणी अफ्रीका की प्रधानगी के संबंध में ब्रिक्स विच सहयोग समेत आपसी हित के बहुत सारे खेतरी ते आलमी मुद्दों ते विचार वटांदरा किया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने श्री मोदी नूं अफ्रीकी नेतावां की अमन पहलकदमी बारे जानकारी दी। इस गल ते जोर दिंदिया कि भारत ने यूक्रेन विच स्थाई अमन ते स्थिरता यकीनी बनाउण दे उद्देश नाल सारियां पहलकदमियां की हमायत की है। प्रधानमंत्री ने अगे वधण लई भारत की गलबात ते सफारती तरीके नाल हल लभण की लगातार अपील नूं दोहराया। राष्ट्रपति रामाफोसा ने भारत दियां G20 प्रधानगी दे हिस्से वजों पहलकदमियां विच अपनी पूरी हमायत का भरोसा दिता ते भारत दे अपने दौरे की तांग प्रगट कीती। सीनियर बीजेपी नेता ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि मोदी सरकार दियां विवेक माली नीतियां ते प्रोग्रामां कारण भारत ने विश्व विच चोटी दियां 5 आर्थिकतावां विच अपनी थां पक्की कीती है। श्री सिंह मोदी सरकार दे 9 साल पूरे होण ते बिहार ते रोहतास जिले विच जमुहार विच इक प्रोग्राम नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि एक अहम माली कंपनी ने पेशीनगोई की है कि भारत 2027 तक विश्व की तीजी वड्डी आर्थिकता बनने का टीचा हासिल कर लवेगा। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कल नदेड़ साहिब विखे गुरूद्वारा सचखंड तख्त श्री हजूर साहब विखे मत्था टेकया। एक ट्वीट विच उन्होंने कहा कि सचखंड तख्त श्री हजूर साहब दुनिया भर के श्रद्धालुओं लिए आस्था का केन्द्र है। दसवें पातशाह श्री गुरू गोबिंद सिंह जी इसे स्थान से आदि ग्रंथ नूं गुरू का दर्जा दे के 5 तत्तां विच विलीन हुए सन। उन्होंने कहा कि इस पावन अस्थान से मत्था टेक के उन्हां सरबत दे भले ते चढ़दी कला लई अरदास कीती है। उत्तर प्रदेश विच पवित्र शहर वाराणसी विच G20 समूह दे देशां दे विकास मंत्रियों की मीटिंग अज तों शुरू होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस मीटिंग की प्रधानगी करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की G20 प्रधानगी तहत मीटिंग के शुरू विच एक विशेष वीडियो संबोधन देंगे। G20 विकास मंत्रियों की यह मीटिंग SDGs दीआं प्राप्तियां नूं होर वधाउण अते विकास चुगिरदे ते जलवायु एजेंडे दरम्यान तालमेल लई कारवाईयां ते सांझे तौर ते सहमत होण दा मौका प्रदान करेगी। इह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। पंजाब दे विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार नूं सवाल किया है कि केंद्र दे राष्ट्रीय सेहत मिशन NHM तहत आउंदे फंड किवें रुक गए ने। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान विच उन्होंने कहा कि आप सरकार
NHM तहत 800 करोड़ रुपए के फंड रोकने लिए केंद्र नूं जिम्मेवार ठहरा रही है, जबकि केंद्रीय सेहत मंत्री डॉ मनसुख मांडवी अनुसार केंद्र ने मिशन तहत सूबे के फंडा नूं नहीं रोकया है, सगों सूबा सरकार ने खुद सेहत केंद्रां दा नां बदल के आम आदमी क्लीनिक रख के सेहत स्कीम बंद कर दिती है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब विच दिल्ली दे नुक्सदार सेहत माडल नूं लापरवाही नाल दोहराउण दी काली विच सूबा सरकार ने सुचारू ढंग नाल चलदे सेहत माडल नूं ना पूरा होण वाला नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आम आदमी क्लीनिक जांच सहूलतों तों वांझे ने ते कई सहायक सेहत केंद्रां दे डॉक्टरां ते होर सेहत अमले नूं इन्हां आम आदमी क्लीनिकां विच तब्दील कर दिता गया है। विरोधी धिर दे आगुआं ने कहा कि आप सरकार दा सेहत केंद्रां दा नाम अपनी पार्टी दे नाम ते रखण दा अड़ियल रुख फंडां दी कमी नाल जूझ रहे सूबे नूं बहुत महंगा पै गया, क्योंकि NHM अधीन फंड बंद कर दिते गए ने, इसलिए आप सरकार नूं स्पष्ट करना चाहिदा कि ओह पंजाब विच सेहत सेवावां दे सुचारू कामकाज नूं किवें यकीनी बनाएगी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीं बुलंदियां हासिल करने लई उत्तर पूर्व के हर एक राज नूं शक्तिशाली बनाया है। गुवाहाटी विच डीडी कॉन्क्लेव रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नूं संबोधन करदिआं श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतर के विकास लई समुचे मंत्रालय नूं कार्ज करने लई ला दिता है। उन्होंने इल्जाम लाया कि 60 सालों तक कांग्रेस ने उत्तर पूर्व विच राज कीता पर बदकिस्मती नाल उह खेतर दा विकास करन विच नाकाम रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समुचे उत्तर पूर्व ने पिछले 9 सालों विच बेअथाह प्रगति कीती है। MV गंगा विलास दरियाई क्रूज का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि सैर सपाटे दे विकास लई संपर्क अहम है। श्री सोनोवाल ने कहा कि उत्तर पूर्व विच सैर सपाटे दे विकास दीआं बहुत संभावनावां ने ते सरकार इलाके की तरक्की लई वचनबद्ध है। उन्होंने ए भी कहा कि इस साल दे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विच ज्यादा लोगों के हिस्सा लैण की उम्मीद है। भारत की चीते बारे पहली सफर फोटो नुमाइश का कल हैदराबाद विच KBR पार्क विखे उद्घाटन होया। प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट PCCF राकेश मोहन डबरियाल, जो कि मुख्य मेहमान सन, ने TSRTC के वाइस चेयरमैन ते MDVC सजनाथ दे नाल नुमाइश का उद्घाटन किया। इस मौके ते बोलदिआं राकेश ने कहा कि देश कोल तेलंगाना विच चीतियां दीआं 2 रखां समेत 53 चीता रखां विच 3167 चीते ने। उन्होंने कहा कि रखां विच चीतियां दा निवास दसदा कि यह चंगा जंगल है। TSRTC बस फोटो नुमाइश तेलंगाना राज रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, भारती फोटो फेस्टिवल ते ICBMSCC दी सांझी पहलकदमी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि बिपरद्वय चक्रवर्ती तूफान पोरबंदर के लगभग 510 किलोमीटर दक्षण दक्षण पछम विच अद्धी रात तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल पूर्व केंद्रीय अरब सागर वल चला गया। मौसम विभाग ने कहा कि इससे अज तेज होकर गंभीर चक्रवर्ती तूफान विच बदलन की संभावना है। उगे भारतीय अथलीट मुरली श्रीशंकर ने पैरिस डायमंड लीग विच लम्मी छाल मुकाबले विच 8.09 मीटर ते छाल मार के तीजा स्थान हासिल किया। राष्ट्रमंडल खेडां विच चांदी दा तमगा जेतू श्रीशंकर ने तीजी कोशिश विच बेहतरीन छाल मारी। श्रीशंकर ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ते साबका डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा दे बाद डायमंड लीग विच चोटी के 3 खिडारियों में आया तीजा भारतीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस विलखण प्राप्ति लई लौंग जंपर मुरली श्री शंकर नूं वधाई दित्ती है। क्रिकेट विच अज इंग्लैंड दे ओवल विखे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दे आखिरी दिन भारत अपनी दूजी इनिंग दी शुरुआत कल दीआं 4 खिडारियां पिछे बनाईआं 123 दौड़ां तों अगे खेडण नाल शुरू करेगा। आखिर विच खास खबरां इक वार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच पहली राष्ट्रीय सिखलाई कांफ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। G20 के विकास मंत्रियों की मीटिंग अज उत्तर प्रदेश के वाराणसी विच शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षणी अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा नाल टैलीफोन से गलबात दौरान ब्रिक्स विच सहयोग बारे विचार वटांदरा किया है। भारत के लौंग जंपर श्री शंकर ने पैरिस विच प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट विच तीजा स्थान हासिल किया। इस आकाशवाणी तो खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।